हेलो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आ जाओ भाई फटाफट। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू गाइस डूइंग? सब बढ़िया, मज़े में है, क्या बात है। आ जाओ भाई। हेलो हेलो हेलो, गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, है ना, गुड आफ्टरनून यार, कैसे हो? नमस्कार, आज आप लोगों का स्वागत है आप लोगों की क्लास में। आ जाओ भाई, आज हम लोग बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशंस, है ना। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं, अरे अभिजीत भैया बहुत डिफिकल्ट है। अरे कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम बढ़िया सा मज़ेदार वाला टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बढ़िया। ठीक है, हम लोग देखते हुए जाएंगे, राइट। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, चंद्रेश शुक्ला बोल रहे हैं 7 किलोवाट की सोलर प्लेट। सोलर प्लेट, हाँ मेरे को लगेगा बेटा, है ना, मेरे को भी लगाना है सोलर। ठीक है, मैसेज कर देना, कोटेशन दे देना, ठीक है। चल, अब इसके बाद में अगर स्पैम किया चंद्रेश तो ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। चल, तो भाई साहब कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, जय श्री कृष्णा मेरे भाई, जय श्री कृष्णा। आ जाओ यार सभी लोग। चलो भाई, कैसे हो? ब्लड रिलेशन समझ में नहीं, कोई बात नहीं कशिश, आज हम लोग करेंगे, बढ़िया मजा आएगा। जय 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 जगन्नाथ अमर मेरे भाई। आ जाओ, रिश्तेदार आ गए हैं, यस रिया, रिश्तेदार आ गए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। अब ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा टॉपिक है। क्या होता है, शादी आदि में जाते हैं जब, है ना, जब शादी आदि में जाते हैं। हेलो, CSET का रजिस्ट्रेशन करने में इनवैलिड आ रहा है। देखो यार, अगर रजिस्ट्रेशन, कल रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है ना, सबसे पहले तो आप जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र चेंज करके देखो, ठीक है। इसके बाद में अगर आपका क्या कहते हैं, फ़ोन से ट्राई करें तो मोबाइल से, मतलब कंप्यूटर से ट्राई करके देखो, तो भाई फिर भी नहीं हो रहा है तो एक बार चैप्टर ऑफिस में बात करके देखो, ठीक है। चलो, अब ब्लड रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड रिलेशंस क्या है, किस तरीके से होता है। तो देखो यार, एक छोटा सा अगर मैं आपको एक एक ग्लिम्स जो बोलते हैं ना, कि एक नज़रिया, तो कैसे है, शादी में जब जाते हैं, अभी 1-2 महीना पहले मेरे कज़न की शादी थी, वहाँ पे मेरे मौसी आए, मेरे को देखा, अरे बेटा कितना बड़ा हो गया है तो बोले, याद है तुझे? अब यार अपन क्या बोलेंगे, बोला हाँ, है ना, ऐसे करके बोले, इतना सा था तू, मेरे को मुझे बोल रहे थे। एंड जो नहीं जानता है भाई, मैं 100 सवा 100 किलो का इंसान, 6 फीट का, ठीक है, वो मुझे बोल रहे कि इतना सा था तेरे को गोदी में उठाते थे हम। मेरे दिमाग में चल रहा था, अभी उठाओगे तो खुद उठ जाओगे, ठीक है। मेरे दिमाग में आ रहा कि भाई अभी अभी उठा के खुद उठ जाओगे भाई, है ना। अब वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि बेटा आपकी आपकी मौसी लगती हूँ ना, ऐसा बोलेंगे नहीं वो कि आपकी मौसी है, नहीं, वो क्या बोलेंगे, मैं तुम्हारे मम्मी के मामा के जो भाई है ना, मम्मी के मामा के चाचा के जो भाई है, उनकी बहन हूं मैं, उनकी बहन। अब वहीं पे अपना दिमाग का फ्यूज उड़ जाता कि मम्मी के मामा के चाचा का भाई की बहन, अरे बाप रे। सीधा सीधा ये नहीं बोलेंगे कि यार मम्मी की कजन हूं, तेरी मौसी लगती हूँ बेटा, ये नहीं बोलेंगे भाई। वो क्या बोलते हैं, मम्मी के मामा के बेटे की कजन, अरे भाई साहब भयानक, मम्मी के कजन के मामा के, है ना, ऐसा कुछ तो भी एक अलग अलग रिलेशन, अलग भाई। तेरे को पता है मैं कौन हूँ, तेरे मम्मी के जो मामा है ना, उनके बेटे की बहन हूँ मैं।
इस तरीके से ऐसा आप लोग के साथ हुआ है क्या? है ना, हम भी सोचते लग जाते कि भाई ये कौन सा रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम भी सोचते हैं यार ये क्या क्या हो गया है। बट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि हम अगर सोचेंगे थोड़ा तो आ जाता है ना, दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये जो है ये मेरे कज़न मामा लग रहे हैं, या मामी लग रही है, या मौसी लग रही है, चाचा बुआ जो भी है ना, वो तो समझ जाता है। बट वो क्यों समझ में आता है? बिकॉज हम लोग उसको हिंदी में बोल देते हैं, हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं तो आसान है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मैं अगर आपको एक व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, मैं आपको एक व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और मैं अगर आपको ये बोलूँ कि भाई ये व्यक्ति कौन है पता है, ये मेरे मम्मी के भाई के बेटे हैं, अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि ये जो व्यक्ति खड़ा है मेरे बाजू में, ये व्यक्ति कौन है, ये मेरे मम्मी के भाई के बेटे हैं, तो वो व्यक्ति कौन रहेगा मेरा? अगर वो व्यक्ति मेरे मम्मी के भाई का बेटा है तो भाई वो मेरा क्या लगेगा बताओ? मम्मी के भाई का बेटा, मेरा क्या लगता है सोचो। अब इसको अगर और अच्छे से सोचना है तो आपके मम्मी के भाई का बेटा आपका क्या लगेगा? कजिन ही लगेगा। आपका क्या लगेगा? कजिन लगेगा, है ना, बराबर। चलो कजिन, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड। आपका कजिन मामा का लड़का, मामा का बेटा मतलब कजिन, वेरी गुड। सो प्लीज सी डीएम, अर्जेंट है सर प्लीज। बेटा क्लास के बाद में डीएम चेक कर लेंगे, है ना, अवस्थिका। चलो कजन, वेरी गुड, सही है बेटा, एकदम सही एकदम सही एकदम सही। मामा का बेटा मतलब क्या बोलेंगे बेटा? उसको कजन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बेटा? कजन, है ना भाई। यही चीज़ देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम जाती है ब्लड रिलेशन में। बच्चों आप लोग को ऐसे ही सवाल रहेंगे, सवाल यही रहेंगे, बट प्रॉब्लम क्यों जाती है? बिकॉज वो इंग्लिश में दिया रहता है। वो दिया किस में रहता है? वो दिया रहता है इंग्लिश में, है ना, तो वहाँ वहाँ भाई इंसान पिघल जाता है। He is the son of the brother of his mother. बोला वही है ना? Introducing a boy, Abhijit said, he is the son of the brother of his mother. मतलब अभिजीत के, अभिजीत वो लड़का कौन है? अभिजीत के मम्मी के भाई का बेटा। हिंदी में कितना आसान, अंग्रेजी में introducing a boy, while introducing a boy, या इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अभिजीत सेड ही इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ द मदर ऑफ हिज मदर। मतलब वो कौन है? वो बेटा है किसका? भाई का। किसके भाई का? अभिजीत की मम्मी के। अरे बाप रे, प्रॉब्लम अगर आप लोग हिंदी में समझ पा रहे हो ना, तो अंग्रेजी को इंटरप्रीट करना हम लोग को ये क्वेश्चन में देखना है। हमें बस अंग्रेजी को इंटरप्रीट करना है और कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? इंग्लिश को इंटरप्रीट करना है, ठीक है। तो इंग्लिश को अगर इंटरप्रीट कर लिया तो आप लोग को आसानी जाएगी। क्योंकि देखो, और ये आसान क्यों पड़ जाता है? ये आसान इसीलिए पड़ता है बिकॉज भाई यहाँ पे ना वो जो रिलेशन रहता है ना टिपिकल, कि मामा है, ताऊ है, मौसा जी है, है ना, चाचा जी हैं, है ना, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, बड़े चाचा, छोटे चाचा, ताऊ जी, बड़े ताऊ जी, छोटे ताऊ जी, है ना, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, ये सब रिलेशन है भाई। यहाँ इंग्लिश में एक फायदा ये है कि भैया सब अंकल है और सब आंटी है, है ना, मामा मेटरनल अंकल, है ना, और आपके चाचा अंकल, है ना, वहाँ पे ताऊ अंकल, चाचा अंकल ऐसा नहीं रहता। ताऊ जी भी अंकल है, चाचा भी अंकल है। ये समझ में आया क्या? ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें गाइस, अगर हम लोग देखें तो भाई बात क्या हो जाती है? बात ऐसी हो जाती है कि यार आप लोग जो भी सॉल्व कर रहे हैं ना, जो भी आप लोग कर रहे हैं ब्लड रिलेशंस, इसमें बस रिलेशन समझना है। पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको समझ में आ गया तो ब्लड रिलेशन बहुत आसान है, बहुत मज़े से हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करें क्या भाई? शैल वी स्टार्ट? चलो शुरू किया जाए। चलिए चलिए चलिए। सर एक गाना आया था भाईजान का, भाईजान का गाना, ये वाकई गाना है, कभी आप YouTube पे सुन के देखना। सर मेरे बाप की बेटी, ये लैंग्वेज घर पे यूज़ नहीं करेंगे बेटा,
है ना, ना तो फ्लाइंग चप्पल आएगी, खुद भी मार खाओगे है ना और दूसरों को भी खिलाओगे। तो ये चीज़ घर पे यूज़ नहीं करने का। लैंग्वेज क्या है, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती ठीक है, मेरे बाप की बीबी मेरे को बेटा बोलती, मेरे माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता है ना, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। यही चार लाइन में भाई साहब क्या दिया, इसका ब्लड रिलेशंस बनाया यही चार लाइन में ठीक है। तो भाई हमें क्या करना है, हमें ब्लड रिलेशंस करते हुए आगे बढ़ना है राइट। तो चलो अगर हम लोग देखें ब्लड रिलेशंस, अगर हम लोग रिलेशन देखें, चलो अगर मैं आपको बताऊं रिलेशंस, चलो एक सेकेंड ना, कहाँ गया भाई, मान के चलिए सर, मान के चलिए मोहतरमा, ये मोहतरमा के ना दो साइड के रिलेशन रहेंगे, मोहतरमा के रिलेशन जो है ना वो दो साइड से रहेंगे ठीक है, दो साइड से रिलेशन रहेंगे सर। एक रिलेशन जो रहेगा वो रहेगा पैटर्नल साइड, एक रहेगा पैटर्नल साइड, दूसरा रहेगा बेटा क्या, दूसरा रहेगा मैटर्नल साइड। दूसरा क्या रहेगा भाई, दूसरा रहेगा मैटर्नल साइड। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया, यस और नो? एक पैटर्नल साइड है, एक मैटर्नल साइड है। पैटर्नल साइड मतलब क्या, पैटर्नल साइड मतलब पापा सर, मैटर्नल साइड मतलब मम्मी के साइड का रिलेशन ठीक है। पैटर्नल साइड मतलब पापा के साइड का रिलेशन, मैटर्नल साइड मतलब मम्मी के साइड का रिलेशन राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चीज अब ध्यान से सुनिएगा। ये भाई ये बदमाश बोलता है, बोले अभिजीत सर मेरे मम्मी की बहू मेरे को बाबू बोलती है। अरे मम्मी की बहू को बोलना कि तुम्हारे बाबू को थोड़ा सा फ्री छोड़ दो है ना, अभी तुम्हारे बाबू बीबी को सब छोड़ दो भाई, यहाँ पे आ जाओ और मम्मी की बहू बाबू बोलती है तो अपने बाबू के पास रह बेटा, इधर मत ऐसे मत कर रहे राजा, मम्मी की बहू बाबू बोलती। अंडे में से निकले नहीं हो तुम लोग, बहुए बना रहे हो, इधर आओ सर। पैटर्नल साइड हाँ, पैटर्नल पापा के साइड का, मैटर्नल मम्मी के साइड का, ये ध्यान रखो ठीक है। अब सर रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनना भाई, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा मजाक कम, अब मजाक नहीं करेंगे, अब ध्यान से सुनना सर। फादर्स फादर उनको ग्रैंड फादर बोलते हैं सर, फादर्स मदर ग्रैंड मदर रहेंगी, फादर्स ब्रदर मतलब आपके चाचा जी या ताऊ जी कोई भी रह सकते हैं सर, फादर्स ब्रदर उनको क्या बोलेंगे भाई, अंकल बोलेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे सर, फादर सिस्टर उनको आंट बोलेंगे, पापा की जो बहन मतलब आपकी बुआ को आंट बोला जाता है सर, चिल्ड्रन ऑफ अंकल आपके चाचा या ताऊ के बच्चों को कजन बोला जाता है ठीक है सर, वाइफ ऑफ अंकल आपकी चाची को ठीक है उनको आंट बोला जाता है, चिल्ड्रन ऑफ आंट बुआ के बच्चों को कजन बोला जाता है, बुआ के बच्चों को क्या बोला जाता है भाई, कजन बोला जाता है, एंड हस्बैंड ऑफ आंट को अंकल, फूफा को क्या बोला जाता है भाई, अंकल। यहां तक क्लियर है, क्या चीज क्लियर है, समझ में आया ठीक है। चलो अब सर वैसे ही रहते हैं मैटरनल साइड के, मम्मी के पापा को बोलते हैं जो नाना जी, उनको मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं सर, मम्मी की मम्मी नानी को मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं, मम्मी के भाई को बोलते हैं मैटरनल अंकल सर, मम्मी की सिस्टर को बोलते हैं आंट मतलब मौसी को हम लोग आंट बोलेंगे सर, चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल को कजिन बोलेंगे भाई, मामा के बच्चों को कजिन बोलते हैं, और मामी को मैटरनल आंट। ये क्लियर है, समझ में आया, क्या चीज क्लियर है, समझ में आया भाई ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है ना, वो कहां गया मेरा बाबू,
मेरा बाबू कहाँ गया? वो मम्मी की बहू बाबू बोलती है। सुन रही, समझ में आया क्या बच्चे? यहाँ तक क्लियर है ना सब लोग को? चलो, अब जो घूमने वाली चीज़ है ना, जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है आप लोगों को, वो ये है सिबलिंग, ये वर्ड। अब क्या होता है यार, मैं यूजुअली हम लोग भाई को क्या बोलते हैं? ए सुनना, भाई को ए बोल देते, बहन को चुड़ैल बोल देते। बट मेल सिबलिंग अगर है, मेल सिबलिंग अगर, तो उसको ब्रदर बोलते बेटा, यूजुअली इंग्लिश में क्या बोलते? ए नहीं बोलते, है ना? जो भैया है, भाई है आपका, मेल सिबलिंग है तो उसको ब्रदर बोलेंगे। फीमेल सिबलिंग है तो उसको चुड़ैल नहीं बोलते बेटा, उसको सिस्टर बोलते। उसको चुड़ैल नहीं बोलते, उसको सिस्टर बोलते बेटा, ठीक है? भाई की जो बीवी है ना, ब्रदर्स वाइफ, तो उनको क्या बोलते हैं था बेटा? उनको भाभी वन भाभी टू नहीं बोला जाता, उनको सिस्टर इन लॉ बोला जाता है ना? जो ब्रदर्स वाइफ, भाई की जो बीवी है, उनको क्या बोलते हैं बेटा? भाई की बीवी को बोला जाता है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है? शी इज नॉट भाभी टू, शी इज सिस्टर इन लॉ। ये कौन है? भाई की बीवी, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट सर, सिस्टर के हस्बैंड। आप देखो, सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड, तो सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलेंगे? सिस्टर के हस्बैंड को बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलेंगे बेटा? ब्रदर इन लॉ। क्या ये समझ में आए? ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान से सुनना। भाई या बहन का अगर बेटा है, अगर आपके भाई या बहन का बेटा है उसको नेफ्यू बोलेंगे, और अगर आपके भाई या बहन की बेटी है तो उसको नीज बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होना नहीं। समझ में आ? हाँ, बोलते हैं मेरी बहन साइड में बैठी है, कह रही है कान खोल के सुन ले चुड़ैल, नहीं बोलते। हाँ सही, नहीं बट ऑनेस्टली देखो, अगर आप ऑनेस्टली एक चीज बोलता हूं, अगर आपको बहन है, इफ यू आर अ बॉय, अगर आप एक लड़के हो एंड अगर आपकी बहन है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो, ठीक है, कि आपकी बहन है ना? हमारी बहन नहीं है भाई, हम मतलब वैसे बहन है, बट सगी बहन नहीं है, तो हमको समझ में आता है यार कि सगी बहन, यार बहुत किस्मत वाले हैं कि सगी सगी बहन होना, ऐसा लगता है। बट एनी वेज, ये क्लियर है क्या बेटा? यहां तक समझ में आए क्या? यहां तक समझ में आए? ये आशीष गोस्वामी बोलता है क्या? अरे फोटो बाद में एंजॉय करना, तुम्हारे लिए फोटो बहुत एंजॉयमेंट वाली ला देंगे हम, बट ये समझ में आ गया? ये बताओ आशीष मेरे भाई, क्लियर है? नेफ्यू मतलब क्या? भाई या बहन का बेटा। नीस मतलब क्या? भाई या बहन की बेटी। क्या ये समझ में आया भाई? क्लियर? भाई ये एक बार आप लोग होमवर्क देख लेंगे, है ना? ये आप लोग क्या करेंगे? होमवर्क ले लेंगे एक बार, राइट? चलो अब हम लोग आते हैं सवालों पे, सीधा आते हैं सवालों पे। चलो भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहला सवाल, पहला सवाल। अब पहले ना अप्रोच समझना, पहले अप्रोच समझो, प्लीज आंसर मत देना, कोई भी आंसर नहीं करेगा। अप्रोच समझना सवाल का और फिर सवाल को पढ़ना। अप्रोच क्या रहना चाहिए? सर जो भी व्यक्ति बोलता है ना, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पर रख देंगे। जो भी व्यक्ति बोल रहा है या जो भी व्यक्ति इंट्रोड्यूस कर रहा है, हम उसकी जगह पे अपने आप को रख देंगे, ठीक है? ठीक है, पहला। दूसरा, सवाल के अंत में भी देखना कि किसका रिलेशन पूछा है। एक्सक्यूज मी, अब मेरी बहन का बेटा अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो मैं तो मामा लग रहा हूं, बट वो मेरा क्या लग रहा है? वो भांजा लग रहा है, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है वो भी ध्यान में रखना, ठीक है? सर पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, क्या बोला है बेटा? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, मिस्टर पप्पू सेड, मिस्टर पप्पू सेड, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है? हाउ इज मिस्टर पप्पू रिलेटेड टू द बॉय? सवाल ये दिया है। जो आंसर दे रहे हैं फादर, आप लोग सब गलत बोल रहे हो। गलत क्यों बोल रहे हो? बिकॉज मैंने वो पूछा ही नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे भाई? हम यहाँ पे पप्पू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हम यहाँ पे मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, या हम वो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे?
सर हम यहां पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? वेरी गुड, हम लोग सोचेंगे बेटा पप्पू के पॉइंट ऑफ व्यू से। पप्पू सेड बोला ना, कौन बोल रहा है? पप्पू बोल रहा है, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे बेटा? हम सोचेंगे पप्पू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं, अब ये जो सेंटेंस है ना, ये कौन बोल रहा है बेटा? ये हम बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं, आप और मैं, हम लोग बोल रहे हैं। अपन अगर ये बोलते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस करते हुए अगर अपन बोलते हैं कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब मेरे मम्मी के, आखिरी से समझ के, आखिरी से यहां से डिकोड करना शुरू करो, माई मदर मतलब मेरी मम्मी का बेटा मतलब मैं, और मेरा बेटा ये कौन है भाई? मेरा बेटा हुआ, तो मैं क्या लगता हूं उसका, मैं क्या लगता हूं उसका, मेरे मम्मी के बेटे का बेटा, मेरे मम्मी के बेटे का बेटा। ये देखो सर, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ऐसे में नहीं समझ में आया तो यहां से एक बार इंटरप्रीट करके देखो, माई मदर मतलब मेरी मम्मी का बेटा मतलब मैं, मेरा बेटा तो मैं क्या लगूंगा उसका? बाप लगूंगा। समझ में आया क्या भाई? क्या ही समझ में आया? ठीक है, क्या लगेगा भाई? पप्पू पापा लगेगा। ठीक है, ये गोस्ट आके बोल रहा है सर पप्पू की शादी भी नहीं हुई है। अरे यार देखो गोस्ट मेरे भाई, एक तो वैसे ही आप भूत हो है ना, आपको और ये पप्पू को जरूरत नहीं बेटा उस चीज की। ठीक है चलो आ जाओ, समझ में आ गया मेरे भाई? ठीक है, अब जिसको समझ में आया ओरली कैसे सॉल्व किया, ये अगर समझ में आ गया है तो भाई साहब अब समझो, जिसको नहीं समझ में आए अब समझो। सर पप्पू ये कौन है? ये है पप्पू। ठीक है, तनीषा बोलिए सर आपने बोला कि फादर गलत है। अरे भाई मैं पहले बोला था आंसर मत दो ताकि लोग सुने कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए बोला था फादर गलत है, फादर सही है आंसर, सुनो इधर। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं भाई, ये है पप्पू। ये कौन है भाई? ये है पप्पू। अब पप्पू जो है एक लड़के की फोटो दिखाते हुए, पप्पू एक लड़के की, एक बच्चे की फोटो दिखाता है। ठीक है, पप्पू क्या कर रहा है? एक बच्चे की फोटो दिखा रहा है। पप्पू ये बच्चे की फोटो दिखा रहा है, पप्पू बोलता है ये कौन है? पप्पू बोलता है ही इज द सन ऑफ द सन ऑफ माई मदर, मतलब पप्पू की मम्मी, पप्पू की मम्मी, पप्पू की मम्मी आ जाएगी, पप्पू की मम्मी, पप्पू की मम्मी। ये रही पप्पू की मम्मी। सर पप्पू की मम्मी का बेटा मतलब पप्पू, पप्पू का बेटा। ठीक है, तो पप्पू क्या लगता है उसका? पप्पू लगता है फादर। पप्पू क्या लगता है भाई? पप्पू लगता है फादर। क्या ये समझ में आया? यस और नो? क्लियर है क्या बेटा? आंसर क्या आएगा? फादर। सब लोग बता देंगे ये समझ में आया क्या? ठीक है चलो क्लियर है। ठीक है गाइस, देखो यार एंजॉय करो बट साथ ही साथ ना पढ़ाई होनी चाहिए यार, समझ में आना चाहिए मेरे को। मैं नॉर्मल यहाँ पे पप्पू और ये भी लिख सकता हूँ गाइस, मैं अगर आप लोग को बोलूँ तो मैं नॉर्मल यहाँ पे पप्पू और ये ऐसा भी लिख सकता हूँ, बट ये समझाने के लिए, आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब फोटोज ला रहा हूँ। ठीक है समझ में आया? चलो अगला अगला। सर राजू पॉइंटेड टू अ लेडी, राजू ने क्या किया? एक लेडी को पॉइंट करते हुए राजू बोलता है शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। सर मेरे मम्मी के हस्बैंड की मम्मी, ठीक है मेरे मम्मी के हस्बैंड की मम्मी की बेटी। अगर आपको ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है ना तो लास्ट में से पढ़ो, लास्ट में से पढ़ो, मैं बता रहा हूँ ना आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज हो गया ना भाई। देखो ऐसे में समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उल्टा डीकोड करो, ये कौन है भाई?
शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन, भाई ये एक ऐसे औरत की मम्मी है जो कौन है, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मतलब मेरे मम्मी के हस्बैंड मतलब मेरे पापा की मम्मी मतलब मेरी दादी की बेटी, मेरी दादी की बेटी, अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो बोलना मेरी मम्मी के हस्बैंड मतलब मेरे पापा की मम्मी मतलब मेरे दादी की बेटी मतलब मेरी बुआ। बेटा समझ में आया क्या? समझ में आया? सर सवाल क्या पूछा है? हु इज द लेडी टू राजू, है ना, राजा या राजू, हु इज द लेडी, लेडी कौन है भाई, आंट है, लेडी कौन है, आंट है, ठीक है। तो भाई साहब ये रही लेडी, देखो ये रही लेडी, सर ये लेडी जो है ये कौन है भाई, ये राजू राजा के मम्मी के हस्बैंड की मम्मी की बेटी, क्लियर है, समझ में आया? आंसर क्या रहेगा, आंट, आंसर क्या रहेगा बेटा, आंट, क्या चीज क्लियर है, ठीक है। डन, चलो अगला सवाल। सर अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित, अनिल ने किसको इंट्रोड्यूस किया, अनिल ने रोहित को इंट्रोड्यूस किया एज द सन ऑफ हिज फादर्स वाइफ्स ब्रदर, फादर के वाइफ के भाई की भाई का बेटा, फादर के वाइफ आपके फादर की वाइफ मतलब आपके मम्मी का भाई मतलब आपके मामा का बेटा मतलब आपका कजन, क्या रहेगा भाई, समझ में आया क्या, ठीक है, समझ में आया, सर मुझे ये सब रिलेशन तो समझता है बट क्वेश्चन नहीं समझ में। बेटा खुशी, खुशी विश्वकर्मा, इतना बढ़िया इतना बड़ा नाम है आपका विश्वकर्मा मेरे भाई, आपको सवाल कैसे समझना है वही तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या करना है आपको, खुशी देखो ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्या कि सवाल का इंटरप्रिटेशन कैसा रहेगा, ठीक है। देखिए अनिल जो है वो एक लड़के को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, रोहित। अब हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे खुशी, हम अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, सर मैं तो खुशी हूं, नहीं आप अनिल हो, आप कौन हो, आप अनिल हो, आप अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। अब आप रोहित को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप रोहित को इंट्रोड्यूस कर रहे हो और आप क्या बोलते हो, एज द सन ऑफ हिज फादर्स वाइफ्स ब्रदर, क्या बोलकर, सर आप बोलते हो कि रोहित कौन है, सर मेरे पापा के वाइफ मतलब पापा की वाइफ मतलब मम्मी हो गई आपकी, मम्मी के भाई मतलब मामा हो गए, मामा का बेटा मतलब कौन हो गया भाई, आपका कजिन, अभी समझ में आया क्या खुशी, वंश बोल रहे हैं सर पिछले 5 दिन से लॉजिकल रीजनिंग शुरू से पूरा खत्म किया और मैथ्स भी आधी क्लासेस देख ली, मजा आ गया, थैंक यू सो मच सर, क्या बात है वंश, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, क्या ही समझ में आए, अब समझो भाई कैसा, सर अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित, सर ये है अनिल, ठीक है, ये है कौन, ये है रोहित, ये है अनिल और ये है रोहित, सर अनिल क्या बोलता है कि रोहित कौन है, सर अनिल के फादर की वाइफ के ब्रदर का बेटा है रोहित, सर देखो अब अनिल के पापा मतलब अनिल के फादर, अनिल के फादर की वाइफ मतलब अनिल की मम्मी के भाई मतलब अनिल के मामा, मामा का बेटा मतलब कजन, अभी समझ में आया कि भाई आंसर कजन कैसे आया, यस और नो, क्या ये समझ में आया, क्लियर है, ठीक है, चलो सर अगला
अ मैन पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ सेज, अब भाई हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे बेटा, हम वो आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, है ना, हम वो आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. अ मैन पॉइंटिंग, अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज, ठीक है, क्या बोलता है, द लेडी इन द फोटोग्राफ. अब ये लेडी जो है ना एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हो, अब हाँ भाई हम फोटोग्राफ ला लेंगे, हम फोटोग्राफ ला लेंगे, फोटोग्राफ 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 फोटोग्राफ. कहाँ गया भाई, ठीक है फोटोग्राफ ला लेंगे हम, ठीक है भाई, सुनिए, ठीक है. अब यार हम क्या बोल रहे हैं, ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ में जो लेडी है ये कौन है, ये लेडी कौन है, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मेटरनल ग्रैंड मदर. नेफ्यू मतलब बच्चा, नेफ्यू मतलब एक आपके भाई या बहन का बेटा, नेफ्यू मतलब कौन रहेगा, आपके भाई या बहन का बेटा, उसको हम नेफ्यू बोलेंगे. नेफ्यू मतलब कौन रहेगा भाई, भाई या बहन का बेटा, उसको नेफ्यू बोला जाएगा, ठीक है, नेफ्यू कौन रहेगा, भाई या बहन का बेटा, उसको नेफ्यू बोला जाएगा, ठीक है. अब ये भाई का बेटा है, बहन का बेटा है, किसका बेटा है देख लेते हैं. चलो कहाँ गया वो बच्चा, अपन एक बच्चा लाया था ना, मतलब नॉट वैसे ये रहा. यार इसकी नानी है ये कौन है, इसकी नानी. बट यार ये कौन है, ये मेरे भाई का बेटा है कि बहन का बेटा है, ये कैसे पता चलेगा. तो अगला सेंटेंस पढ़ो, हु इज द लेडी इन द फोटोग्राफ, सॉरी हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर. मतलब ये कौन है, ये मेरी सिस्टर का बेटा. अभी हो गया मैन, ये हो गया मैन, मैन की सिस्टर, मैन की सिस्टर, उसका बेटा, ठीक है. अब देखो ये मैन की सिस्टर मतलब आपकी सिस्टर, मतलब आपकी बहन, आपकी बहन का बेटे की नानी, आपकी बहन के बेटे की नानी, मतलब आपकी सिस्टर की बेटे की नानी कौन लगेगी, आपकी सिस्टर की मम्मी लगेगी, कौन लगेगी भाई, ये मदर. समझ में आया क्या, यस और नो, क्या ये समझ में आया, यस और नो भाई, क्लियर है, तो क्या लगेगी भाई, मदर लगेगी, समझ में आया. नोरा भाई भी लाइक मुझे ओल्ड बना दिया, हाँ चलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. क्या ये समझ में आया, यस और नो, ठीक है. सर आपकी ड्राइंग, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, कितनी सुंदर बनाया मैंने, नोरा की बेटी कितनी सुंदर है, देखो ऐसे उसके बाल देखो, घने बाल, समझ में आया. अंजलि बोल रही है एक और, एक बार अंजलि को, ए अंजलि, हाँ अंजलि, हाँ सुनो क्या बोल रहा है बेटा ये, ध्यान से सुनो. सर पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, अब भाई हम किसके, अंजलि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अंजलि हम सोचेंगे वो मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सर फोटोग्राफ में एक लेडी है, ठीक है, उसके लिए वो क्या बोलता है कि लेडी जो है ना वो मेरे नेफ्यू की नानी है, मेरे नेफ्यू की नानी है, ठीक है, ठीक है, बोले समझ गया. नेफ्यू की नानी मतलब, नेफ्यू की नानी मतलब क्या भाई, भाई या बहन का बेटा, भाई या बहन का बेटा, उसको नानी बोलेंगे भाई. नेफ्यू की नानी अगर बोल दिया तो भाई, भाई का बेटा है, बहन का बेटा है, किसका बेटा है, तो भाई ये पूछता है कि हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर, भाई आपकी बहन का बेटा है ना, बहन की बेटी की नानी, बहन की क्या लगती है भाई, सिंपल सी बात है, वो लगेगी उसकी मम्मी. छोड़ दो इसका भी एक शॉर्टकट बताऊं, एकदम शॉर्टकट बताऊं, सोचो नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भाई या बहन का बेटा, आपके भाई या आपके बहन का बेटा. अब यार आपके भाई के बच्चे की नानी मतलब आपकी मम्मी हो गई ना,
आपकी मम्मी हो गई, तो भाई आपके भाई की भी मम्मी लगेगी, आपकी बहन की भी मम्मी लगेगी। समझ में आया क्या? यस और नो? क्या चीज क्लियर है? आशी गोस्वामी बोल रही है, इसका अप्रोच नहीं समझा बेटा। आशी, मैन पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ सेज, अब हम किसके, आशी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आशी ये क्या बोलता है? द लेडी इन द फोटोग्राफ, ये लेडी जिसको पॉइंट करते हुए बोल रहा है ना, वो बोलता है, ये मैन बोलता है कि ये लेडी कौन है पता है? मेरे नेफ्यू की नानी है। नेफ्यू मतलब कौन होता है? भाई या बहन का बेटा। तो सर अभी बहन है कौन, कैसे पता चलेगा? मैन सिस्टर, भाई इसकी बहन का बच्चा। आपकी, अब आशी आपके सिस्टर के बेटे की नानी, आपके सिस्टर की क्या लगेगी? मम्मी लगेगी। समझ में आया आशी? क्या अभी समझ में आया? यस और नो? कई चीज क्लियर है? बराबर? समझ में आया भाई? अरे मेरे, देख भाई मैं एक चीज बोल रहा हूं, मेरे ड्राइंग को अगर तुमने इसको कोकोनट ट्री बोला तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, विवाद हो जाएगा विवाद। क्या ही समझ में आया? यस और नो? निकल समझ में आया? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। आ जाओ भाई, प्रिया अग्रवाल और निखिल, क्या नहीं समझ में आया? एक सेकेंड, प्रिया अग्रवाल और निखिल, कोई भी सवाल समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन नंबर फोर समझ में नहीं आया? प्रिया अग्रवाल और निखिल, कोई भी सवाल समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन नंबर फोर समझ में नहीं आया? ये बता भाई, बताओ बताओ बताओ। आशी को समझ में आ गया? ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। प्रिया अग्रवाल और निखिल है क्या यहां पे कि नहीं है? छोड़ो यार, फिर तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फोर्थ समझ में नहीं आ, प्रिया अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल चार, चौथा सवाल चार बार बता चुका हूं, ठीक है समझ लो एक बार। प्रिया अग्रवाल क्या बोल रहा है बेटा? मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज, अब हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे बेटा? हम मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है प्रिया अग्रवाल, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। इसमें क्या बोल रहा है ये मैन? क्या बोलता है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ, ये जो लेडी है फोटोग्राफ में, ये कौन है? आपके नेफ्यू की नानी है। नेफ्यू का मतलब क्या होता है प्रिया? नेफ्यू का मतलब होता है भाई या बहन का बेटा। नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भाई या बहन का बेटा, ठीक है भाई या बहन का बेटा, बराबर। अब ये भाई या बहन का बेटा है, उसकी नानी आपकी क्या लगती है? अब आप प्रिया अग्रवाल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके भाई या बहन का बेटा की नानी क्या लगती है? वो नानी के बारे में बात हो रही है। अब पूछा कि सर हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ, है ना, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर, भाई ये आपके बहन की क्या लगेगी फोटोग्राफ में जो लेडी दी है? तो यार आपकी बहन के बेटे की नानी आपके बहन की क्या लगेगी? बहन के बेटे की नानी बहन की मम्मी लगेगी बेटा,
ये समझ में आया, आई होप इट इज क्लियर। केजी क्लियर है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिया अग्रवाल और जो भी एक बच्चा था, आई होप आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देखो, यू 5-6 बार समझा दिया, राइट। चलो सर, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ अर मदर। ये तो बहुत आसान है भाई, एक वुमन है, एक वुमन, ठीक है, ये एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है, एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है। सो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, हम वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ठीक है। ये क्या बोल रही है, ही इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ अर मदर, उसके मम्मी के भाई का बेटा है। सर उसके मम्मी के भाई का बेटा, मतलब क्या लगेगा भाई इसका, कजिन। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, कजिन। समझ में आया क्या? केजीस क्लियर है, समझ में आया? हाँ मैं हूं खलनायक, अरे क्या नाम रखा है, वाह वाह, है ना। बट आंसर कजन है बेटा, नेफ्यू नहीं रहेगा, कजन रहेगा, खलनायक मेरे भाई क्या रहेगा, कजन। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। प्रसन्ना सेड, प्रसन्ना सेड द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, है ना। ये जो लड़की है प्रसन्ना जो है ना, अब भाई प्रसन्ना एक लड़की के बारे में बात कर रहा है, प्रसन्ना जो है वो एक लड़की के बारे में बात कर रहा है, ये रही लड़की, ठीक है। प्रसन्ना जो है वो एक लड़की के बारे में बात कर रहा है, बोलता है भैया ये लड़की कौन है, हु इज दिस गर्ल। ये गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रहा है प्रसन्ना, प्रसन्ना कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो बोलता है दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन। भाई ग्रैंडसन की वाइफ है, किसके ग्रैंडसन की, मेरे मम्मी के, मेरे मम्मी का ग्रैंडसन मतलब मैं, मेरे बेटा, मम्मी का ग्रैंडसन मतलब मम्मी के बेटे का बेटा, मम्मी का बेटा मतलब मैं, मेरे बेटे की वाइफ, ठीक है। तो भाई प्रसन्ना बोलते हैं कि लड़की कौन है, ये मेरे मम्मी के, प्रसन्ना के मम्मी के ग्रैंडसन मतलब प्रसन्ना का बेटा, उसकी वाइफ है, उसकी कौन है, उसकी वाइफ। तो भाई साहब हु इज प्रसन्ना टू द गर्ल, प्रसन्ना क्या लगता है उसका, ससुर, ससरा, ससुर जी, फादर इन लॉ लगेगा, क्या लगेगा भाई, ससुर, फादर इन लॉ। समझ में आया क्या लगेगा प्रसन्ना उसका, फादर इन लॉ लगेगा। समझ में आया क्या भाई, यस और नो? इज दिस क्लियर? समझ में आया प्रसन्ना क्या लगेगा भाई उसका, प्रसन्न लगेगा, फादर इन लॉ। समझ में आया भाई सभी लोगों को? सब आंसर के एमसीक्यू बुक वाले क्वेश्चंस सेम, नहीं सेम टू सेम नहीं आएंगे, एमसीक्यू बुक वाले क्वेश्चंस बहुत अलग हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें कुछ गलत भी दिए हैं ना, तो जो क्लास में करवाया वंच वो कीजिए बेटा। समझ में आया गाइस, यस और नो एक बार बताएंगे, क्या ये समझ में आया है, ठीक है। चलो सर अगला सवाल क्या बोल रहा है, अरुण सेज सर क्या बोल रहा है, विमल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। विमल की जो मम्मी है वो मेरे मम्मी की इकलौती बेटी है, विमल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, मेरे मम्मी की इकलौती बेटी, मेरे मम्मी की इकलौती बेटी मतलब मेरी बहन, वो किसकी मम्मी है, विमल की मम्मी है, बराबर। तो भाई अरुण क्या लगता है विमल का, मामा लगेगा, अरुण क्या लगता है विमल का, मामा। भाई मामा तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, नन ऑफ दीस, मामा तो ऑप्शन में है नहीं तो क्या बोलेंगे, नन ऑफ दीस। सर अरुण के मम्मी की बेटी
उनका बेटा है कौन? विमल। तो भाई ये अरुण क्या लगता है उसका? मामा। मेटरनल अंकल है ना। अब मेटरनल अंकल ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दीज आएगा। समझ में आया क्या भाई? यस और नो? क्या चीज क्लियर है? एकदम एकदम मक्खन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है सर। ये वैसे सेवेंथ नहीं, एट्थ क्वेश्चन है। ये एट्थ क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ आशा सेड। आशा जो है एक आदमी को पॉइंट करते हुए, एक फोटोग्राफ में एक आदमी को पॉइंट करते हुए बोलती है, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। सीधे में अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। उसके मम्मी के इकलौती बेटी मेरी मम्मी है, ठीक है? अगर ऐसे समझा तो ठीक है, नहीं तो फिर उल्टे से समझने की कोशिश को। मेरे मम्मी इकलौती बेटी है उसके मम्मी के। मेरी मम्मी मतलब आपके मम्मी, वो अंकल के मम्मी की इकलौती बेटी है, मतलब वो अंकल और आपकी मम्मी क्या हो गए? भाई बहन हो गए, ठीक है? तो वो अंकल कौन हो गए? आपके मामा हो गए। आपकी मम्मी के भाई आपके मामा हो गए। ये समझ में आया? देखो सर, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ आशा सेड। आशा क्या बोलती है? हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। हिज मदर्स ओनली डॉटर, भाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सिंपल भाई, आशा, ठीक है? आशा किसकी बात कर रही है? आशा बोलती है भाई एक आदमी है, एक आदमी है मैन, ये मैन की जो मम्मी है, इनकी इकलौती डॉटर वो मेरी मम्मी है। तो आशा क्या लगती है भाई ये मैन की? नीस लगेगी। क्या लगेगी भाई? नीस। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है गाइस? सब सबको समझ में आ गया? यस और नो एक बार बताएंगे। मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है ना। हाँ, अब देखो यार इसमें ना एक सवाल, अब खुशी ने एक सवाल पूछा उस पर मैं बताता हूँ। देखो मान के चलो कि भाई एक लड़का है, मान के चलिए कि एक लड़का है, और एक लड़की है, ठीक है? एक लड़का है और एक लड़की है। अब यार ये जो लड़का है, मुझे सिर्फ यस और नो बताना, यस और नो बताना। ये लड़का जो है क्या ये बोल सकता है इस लड़की के बारे में कि लड़की जो है ये मेरे मम्मी की इकलौती बेटी है? क्या ये बोल सकता है ऐसा? सर ये जो लड़का है पिंटू, ये लड़का जो है पिंटू, सर क्या ये इस लड़की के लिए बोल सकता है, इस लड़की के लिए बोल सकता है कि लड़की जो है ये मेरे मम्मी की इकलौती बेटी है? बेटी, क्या ये बोल सकता है? क्या ऐसा बोला जा सकता है? यस, वेरी गुड, ये बोला जा सकता है। सर इकलौता बच्चा बोला क्या? ओनली चाइल्ड बोला है क्या? नहीं, इज दी ओनली डॉटर बोला। ये बात समझो, इकलौती बेटी है, ये सही बोला है, गलत नहीं बोला। हाँ इकलौता बच्चा बोल देता तो गलत हो जाता, ठीक है? इकलौती बेटी है, सही बोला, ये ऐसा बोल सकते हैं। सर क्या ये ऐसा बोल सकता है कि भाई ये ऐसा बोल सकता है कि मैं अपनी मम्मी का इकलौता बेटा हूं और ये मेरे पापा की इकलौती बेटी है? ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सर यहां पे सर ओनली ओनली चाइल्ड नहीं बोला। सर अगर ओनली चाइल्ड बोलता, अगर ओनली चाइल्ड बोलता तो गलत होता, अगर ओनली चाइल्ड बोलता तो गलत होता भाई। यहां पे क्या बोला है? ओनली डॉटर। क्या बोला है? ओनली डॉटर बोला है बेटा। ये समझ में आया क्या? यस और नो? ठीक है, तो ओनली चाइल्ड ओनली डॉटर, ये बात समझ में? तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना ये सब चीजों में। क्या ये समझ में आया? यस और नो भाई? पक्का क्लियर है? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन सेड टू अ लेडी, क्या बोल रहा है? अ मैन सेड टू अ लेडी,
योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, है ना। एक आदमी जो है एक लेडी को बोलता है कि आपके मम्मी के हस्बैंड की जो बहन है, देखो आपके मम्मी के हस्बैंड की बहन मेरी आंट है। अब देखो आपके मम्मी मतलब ठीक है, आपके मम्मी के हस्बैंड मतलब आपके पापा की जो बहन है मतलब आपकी बुआ, वो मेरी बुआ लगती है, वो मेरी बुआ लगती है। तो भाई वो लेडी क्या लगती है, उसकी सिस्टर लगेगी। सर कैसे, देखो लेडी और एक मैन, ये बोलता है कि सर आपके जो मम्मी है, आपके मम्मी, आपके मम्मी के जो हस्बैंड है इनकी जो सिस्टर है, तो सर देखो मम्मी के हस्बैंड मतलब कौन हो गए, इसके पापा हो गए। सर सिस्टर मतलब कौन हो गई, बुआ हो गई, है ना। तो भाई अगर अगर ये इसकी बुआ है और ये बोलता है मेरी भी बुआ है, तो ये दोनों कौन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। ये दोनों कौन हो गए, भाई बहन, मतलब इनके दो बच्चे हो गए, ये हस्बैंड वाइफ के दो बच्चे हो गए। ये समझ में आ गया, ये सोनो बताएंगे भाई, क्या ये समझ में आए, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो तो भाई साहब हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्लास अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में बताएं, और आंसर्स जो है बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। हम लोग मिलेंगे कल, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।